हेलो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 8, मैं अजय ओझा एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है भाई, आज के लेक्चर में हम बात किसकी करने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब समझते हैं कि नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी हमको इसको पढ़ने की, या ये किस काम में आता है। ठीक है ना, समझना भाई। ठीक है, अब आपने देखो, पहले तो स्टैंडर्ड कंडीशन समझ लेते हैं कि मानक कंडीशन कौन कौन सी है। तो मानक कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो जो आपकी जो सांद्रता होनी चाहिए, वो सांद्रता आपकी विद्युत अपघट्य की कितनी होनी चाहिए, 1 मोलैरिटी होनी चाहिए। और जो टेम्परेचर की यहां पर बात होगी, वो आपका रूम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस, या इसको केल्विन में हम करें तो केल्विन में आपका कितना होना चाहिए भाई, 298 केल्विन आपका टेम्परेचर होना चाहिए। और अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर यहां पर कितना होना चाहिए, 1 atm होना चाहिए। यानी ये 3 कंडीशन होंगी तो उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, स्टैंडर्ड कंडीशन। इस कंडीशन पर जो आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाओगे उसी को अपन नाम देते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये बनाया क्यों गया है, या ये क्या काम करता है, क्या है ये समझते हैं। ठीक है ना भाई, देखो जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, वो एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, वो एक संदर्भ इलेक्ट्रोड है। इसकी सहायता से हम किसी अज्ञात विभव वाले इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करते हैं। ठीक है, यानी मानक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है, इसका जो विभव है वो हमें ज्ञात है, और इसका जो विभव है वो IUPAC के अकॉर्डिंग स्वेच्छा से क्या मान लिया गया है भाई, 0। ठीक है, जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका जो विभव है वो स्वेच्छा से क्या माना गया है, 0 माना गया है। तो हम क्या कह रहे हैं कि यह एक संदर्भ इलेक्ट्रोड है, यह एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इसकी सहायता से हम अज्ञात विभव वाले इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करते हैं। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई ये किस काम आता है, तो आप पहली लाइन क्या लिखोगे, यह एक संदर्भ इलेक्ट्रोड है, संदर्भ इलेक्ट्रोड है जिसकी सहायता से अज्ञात विभव वाले इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात किया जाता है। ठीक है, एक सेल है जिसका इलेक्ट्रोड का हमें पोटेंशियल नहीं पता, अननोन है, लेकिन इसका तो नोन है। हमने बता दिया कि भाई IUPAC के अकॉर्डिंग जो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, या जो नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसका जो इलेक्ट्रोड विभव है उसको क्या मान लिया गया है भाई, स्वेच्छा से 0। ठीक है, IUPAC के द्वारा। ठीक है, इस चीज को आप लिखोगे। अब ये इलेक्ट्रोड विभव है, ये दोनों ही, चाहे आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो, कहने का मतलब चाहे आपका मानक ऑक्सीकरण विभव हो या मानक अपचयन विभव हो, दोनों की मान ही कैसे है, 0 है। तो इस चीज को भी आप याद रखोगे कि चाहे आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो यानी मानक ऑक्सीकरण विभव हो, चाहे आपका मानक ऑक्सीकरण विभव हो या आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, आपका मानक अपचयन विभव हो, चाहे आपका मानक अपचयन विभव हो, दोनों ही कंडीशन में आपका जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। अब ये मानक ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन विभव क्या है, पढ़ चुके हैं। अगर ऑक्सीकरण हो रहा होगा ऑक्सीकरण विभव मिलेगा, अपचयन हो रहा होगा रिडक्शन पोटेंशियल मिलेगा। समझ गए ना, सेल में 2 तरीके के प्रोसेस पड़े थे, एक जगह ऑक्सीकरण हो रहा था, दूसरी जगह अपचयन हो रहा था। अब एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे आता है, मैं सीधा सीधा बता दूं आपको, तो प्रीवियस एग्जाम के अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो 18 या 17 में आपको सीधा सीधा 1 नंबर का डायग्राम पूछा था कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र दीजिए। ठीक है ना, तो इस सेल का जो भी ये इलेक्ट्रोड है इसका आपको 1 नंबर में डायग्राम पूछा था। तो एग्जाम में तो नॉर्मली इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, लेकिन टॉपिक हमको दे रखा है तो हमको समझना आना चाहिए, पूरा टॉपिक हमको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इस इलेक्ट्रोड का मैं डायग्राम बनाऊं तो इस इलेक्ट्रोड का डायग्राम देखना भाई, इसका जो इलेक्ट्रोड विभव वो कितना है, 0। डायग्राम देखना, डायग्राम कैसा होता है, एक बीकर लेते हैं और इस बीकर में हमने 1 मोलैरिटी का HCl सॉल्यूशन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है भाई, 1 मोलैरिटी का HCl सॉल्यूशन आपने भरा हुआ है।
ठीक है, तो आपको पता है जो HCl की सांद्रता होगी वही H प्लस आयन की सांद्रता होगी भाई, क्योंकि ये एक ही H प्लस आयन देगा, ठीक है, तो एक H प्लस आयन देगा, उसकी भी मोल कितनी आएगी, उसकी भी मोलैरिटी कितनी आएगी, 1 मोलैरिटी आएगी, ठीक है। तो एक मोलैरिटी का आपको पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी हमने क्या कंडीशन ली कि जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये किसी भी टेम्परेचर पर, चाहे आपका 20 हो, इवन 15 हो, आपका कोई सा भी हो, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हमने कितना माना है, 0, ठीक है। टेम्परेचर हमने फिर भी यहाँ पर रूम टेम्परेचर लिखा है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, कोई सा भी टेम्परेचर हो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या मानना है, आपको 0 मानना है। दूसरी बात, इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर एक ग्लास जैकेट है, और इस ग्लास जैकेट के अंदर एक आपने प्लैटिनम का वायर ले रखा है, एक इस तरीके से बिल्कुल इसके बीचों बीच प्लैटिनम का वायर, यह है आपका प्लैटिनम वायर, प्लैटिनम तार, ठीक है, प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है। और इसके नीचे क्या है भाई, देखना, इसके जो नीचे है यहां पर एक प्लैटिनम की ब्लैक फॉयल लगी हुई है, यानी प्लैटिनम का काला पत्र एक लगा हुआ है, प्लैटिनम ब्लैक फॉयल, ठीक है, प्लैटिनम पत्र है, ठीक है, जो ब्लैक कलर का है, तो हमने प्लैटिनम ब्लैक फॉयल इसको बोल दिया, ठीक है, ये लगा होता है। और यहां से हम क्या कर रहे हैं भाई, यहां से हम हाइड्रोजन गैस अप्लाई कर रहे हैं जिसका प्रेशर कितना है, 1 atm, यहां से हम हाइड्रोजन गैस इंसर्ट कर रहे हैं जिसका प्रेशर कितना है, 1 atm। थोड़ा सा आप इसको सही बना लेना भाई, इसको थोड़ा अच्छे से इस तरीके से, ठीक है। और इस जो अंदर जो आपको एक ग्लास ट्यूब दिख रही है, इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा है वो किसका भरा है भाई, मरकरी का, ठीक है ना, मरकरी का इसके अंदर सॉल्यूशन भरा है। और ये पूरी आपकी क्या हो गई, कांच की नलिका, कांच की नलिका, ग्लास ट्यूब, ठीक है। तो ये एक आपका डायग्राम होता है किसका भाई, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। तो ये जो डायग्राम है वो आपको 1 नंबर में प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है भाई। तो होता क्या है, आप हाइड्रोजन गैस इसमें डाल रहे हो, तो हाइड्रोजन गैस आएगी और इस प्लैटिनम का जो पत्र है इसके द्वारा कुछ हाइड्रोजन क्या है, अवशोषित होगी, ठीक है ना, अधिशोषित होगी, इसके पृष्ठ पर अधिशोषित होगी। और जो अतिरिक्त जो आपकी जो हाइड्रोजन गैस है वो इस तरीके से बुलबुले के रूप में कहां निकल जाएगी भाई, बाहर निकल जाएगी, ठीक है। जितनी अधिशोषित करनी थी उतनी अधिशोषित कर ली, और जो एक्सेस यानी अतिरिक्त जो आपकी हाइड्रोजन गैस है वो बुलबुले के तौर पर क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो यहां पर ये कंडीशन हुई। अब यहां पर आपको पता है हाइड्रोजन गैस आप डाल रहे हो, ठीक है, और सॉल्यूशन के अंदर भी कौन से आयन है, H प्लस आयन है, तो इन दोनों के मध्य में यहां पर साम्य स्थापित हो जाता है, इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है। किस तरीके से होता है, देखो यहां पर यह हाइड्रोजन गैस है भाई और अंदर H प्लस आयन है, तो इनके बीच में क्या है, एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है ना। आपको पता है दो H प्लस बनेंगे तो साथ में इलेक्ट्रॉन भी कितने रिलीज होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। तो इस तरीके की एक साम्य वाली कंडीशन यहां पर जनरेट हो जाती है। तो सबसे पहले तो इस डायग्राम को बना लो, और ये जो बातें मैंने लिखी है इन बातों को एक बार आप नोट कर लो। लिख लिया भाई, मिटा दें, चलो। अब आपको पता है यहां पर साम्य स्थापित हो गया, यानी ये जो आपका इलेक्ट्रोड है ये 2 तरीके से काम कर सकता है आपका भाई, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन विभव की तरह और रिडक्शन की तरह, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जो अभी आपका जो SHE है वो कैसे एक्ट कर रहा है, SHE एक एनोड के रूप में, ठीक है। आपका काम केवल अभी तक चल जाएगा, जो लिखा है उसको लिख दोगे आपको 1 नंबर मिल जाएगा, सीधा सीधा डायग्राम पूछेगा आपसे, ठीक है ना। एक बात मैं आपको और बता दूंगा कि इस सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देखो, अगर ये एनोड के रूप में कार्य करेगा तो हमें पता है एनोड पर क्या होता है भाई, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, रिमूवल होगा। तो यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस से 2 H+ आयन बनेंगे, साथ में आपके 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, ये वाली कहानी होगी। और आपको पता ही है इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना भाई। अब अगर इस सेल को रिप्रेजेंट करें तो इस सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, देखना, प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड, ठीक है, फिर आप क्या करोगे, फिर सॉल्ट ब्रिज तो है नहीं, तो डबल स्लैश तो लगेगा नहीं। सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में, जब हमने डेनियल सेल पढ़ा था, ठीक है। फिर क्या होगा आपका, फिर आपका जो हाइड्रोजन गैस है, और हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है, हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है वो कितना है, 1 atm है। इसके बाद जो H प्लस आयन है, और H प्लस आयन आपके एक्वस मीडियम में, और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 1 मोलैरिटी, ठीक है ना। तो आप H प्लस आयन ऐसे लिख सकते हो, या कई जगह यहाँ पर हाफ, आप इधर हाफ क्या लगा दो,
एच टू लगा दो, ठीक है ना, क्योंकि एक मोल की बात कर रहे हैं तो यहां पर आपको एच टू जो बैलेंस ही आपको सेटिस्फाई करनी है तो आप लगा सकते हो, वरना एच टू भी लिखते हो तो भी कोई गलत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब मैं कहूं कि एस एच ई जो है वो किस तरीके से है, एच एस ई जो है वो एक कैथोड के रूप में है, तो कैथोड के रूप में हो तो आपको पता है भाई यहां पर क्या होना है, अपचयन होना है, क्या होना है यहां पर, अपचयन। अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन जो है जो आपका इधर से क्या हो जाएगी, रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी, यानी जो 2H प्लस आयन है वो दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाएंगे भाई, H2 गैस का फॉर्मेशन करेंगे, और यहां पर जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा आपका, जीरो आएगा। और इसको रिप्रेजेंट करोगे तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे भाई, H प्लस आयन जिसको एक्वस मीडियम में और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो वन मोलैरिटी की, ठीक है, और फिर इसने क्या बनाया, H2 गैस बनाई, और H2 गैस का जो यहां पर प्रेशर हमने लिया है वो 1 एटीएम लिया है, और फिर क्या आ जाएगा आपका, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। तो कोई भी एक जो रिप्रेजेंटेशन है वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है, ठीक है। लिख लो भाई इसको एक बार, फिर मैं बताता हूं कि इसकी सहायता से हम कैसे अज्ञात इलेक्ट्रो अज्ञात विभव वाले इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करते हैं, वो भी बताता हूं। एक बार लिख लो इस सारी कहानी को, लिख लिया, चले आगे। चलो अब हम देखते हैं कि इसकी सहायता से हम अज्ञात विभव वाले इलेक्ट्रोड का विभव कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखना भाई, ये सेल ले लिया आपने एक, ठीक है, अब आपको पता है कि अकेले सेल का तो निकाल नहीं सकते, एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, एक कैथोड का काम कर रहा होगा, दूसरा एनोड का। तो सपोज हम यहां पर क्या ले लेते हैं, एक ZnSO4 का सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है, और उसमें हम किसकी रॉड डिप कर देंगे भाई, जिंक की रॉड डिप कर देंगे, और यहां पर जो ZnSO4 है और यहां पर जो आपकी जिंक की रॉड लगी है, और जिस जिंक की रॉड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, यहां पर हमने वोल्ट मीटर ऐड कर दिया और ये हमने सर्किट को कंप्लीट कर दिया, और बीच में यहां पर आपको पता है सॉल्ट ब्रिज लगा होगा भाई, ये सॉल्ट ब्रिज भी हम यहां पर लगा देते हैं, ठीक है। ये वाली कहानी आपकी हो रही है, ये जिंक का रॉड है आपका, किसका रॉड है, जिंक का रॉड है, ठीक है। अब देखना, समझना कैसे अपन निकालते हैं, ठीक है, इसका तो हमें पता है, इसका तो हमें पता है कितना होता है भाई, चाहे कोई सा भी हो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये स्वेच्छा से IUPAC ने हमको बता दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि जब यहां पर सर्किट कंप्लीट होगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी जिंक यहां से क्या आएगा, Zn2+ में आएगा, ठीक है, और यहां से क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन इस पर छोड़ेगा और ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करेंगे, ठीक है ना, यही कहानी होगी। और इस वोल्ट मीटर में कुछ रीडिंग आएगी, इस वोल्ट मीटर में कुछ रीडिंग आएगी, और यहां इस केस में जो इसकी जो रीडिंग आती है वो मैं आपको बता देता हूं, इसकी जो रीडिंग आती है, जो ई सेल आता है, ई सेल क्यों, इसको ईनोट सेल कहेंगे, जो ईनोट सेल आता है यहां पर कितना आता है, 0.76 वोल्ट आता है, कितना आता है, 0.76 वोल्ट आता है। अच्छा, ईनोट क्यों लगाया है, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है भाई, आपको पता है ना सारी मानक अवस्था लिए, तो मानक अवस्था के लिए हम क्या लगाते हैं, नोट लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहां जब हमने रीडिंग चेक करी तो कितना आया भाई, इसकी रीडिंग कितनी आई, 0.76 वोल्ट आया, ठीक है। तो हमें इसका पता चल गया, पूरे सेल का हमें इलेक्ट्रोड विभव पता चल गया, इसका इलेक्ट्रोड विभव हमें ज्ञात है, पूरे सेल के में से अगर हम इसका इलेक्ट्रोड विभव निकाल दें तो हमें इस वाले इलेक्ट्रोड का विभव पता चल जाएगा, सीधी सीधी बात है। अरे पूरे सेल का आपको ईनोट पता है, इलेक्ट्रोड विभव पता है, इधर जो आपका कैथोड का काम कर रहा है उसका भी आपको इलेक्ट्रोड विभव पता है, तो पूरे में से इसको घटा दो, इसका आपको पता चल जाएगा, उसी तरीके से अपन काम में लेते हैं। तो होगा क्या यहां पर, अगर हम ईनोट सेल लिखें तो ईनोट सेल आपको पता है, ईनोट सेल बराबर क्या होता है, ईनोट कैथोड माइनस ईनोट एनोड, ये बात हमें पता है भाई, ठीक है। तो अब कैथो, अब हाँ ये बात और मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि यहां पर अपन केवल और केवल क्या लेंगे, अपचयन विभव लेंगे, ठीक है ना, ऑक्सीकरण विभव नहीं। आपको दिख रहा है कि यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है इसका, इसका तो क्या हो रहा है, अगर इसका मैं लिखूं तो यहां पर आपको पता है Zn किस में बदल रहा है, Zn2+ में बदल रहा है, यानी यहां ऑक्सीकरण हो रहा है, ये तो किसका काम कर रहा है, यहां पर एनोड का काम कर रहा है, और यहां पर जो आपका SHE है वो SHE आपका किसका काम कर रहा है, यहां पर कैथोड का काम कर रहा है। लेकिन फॉर्मूले में तो आपको हमेशा और हमेशा क्या लिखना है, रिडक्शन पोटेंशियल अपचयन विभव लिखना है, यानी आपको ये नहीं लिखना, इसका उल्टा लिखना है। और आपको मैंने बताया भाई प्रीवियस क्लास में, जो अपचयन विभव है वो केवल साइन में अपोजिट होता है, किसके, ऑक्सीडेशन विभव के, ऑक्सीकरण
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के, ठीक है ना, ये प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हम इस बात को, तो इसमें हमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो अब हम वैल्यू रख देते हैं, इनोड सेल कितना आया 0.76 वोल्ट, ठीक है, और कैथोड का हमें पता है भाई इसका कितना होता है रिडक्शन पोटेंशियल, 0 माइनस ई नोट एनोड। अब एनोड में आपको क्या रखना है, रिडक्शन पोटेंशियल रखना है, होता तो इसका ऑक्सीडेशन है लेकिन ऑक्सीडेशन आपको नहीं रखना है, इसका जस्ट क्या रखना है उल्टा, ठीक है। उल्टे का मतलब यहां पर आप क्या लिखोगे, Zn2+ से क्या बन रहा होगा, Zn बन रहा होगा, याद रहना भाई इस बात को याद रखना, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस वाली वैल्यू को मैं इधर लाऊं, इस वाली वैल्यू को उधर भेजूं, तो इसको इधर लाऊंगा पॉजिटिव का हो जाएगा ई नोट Zn2+ और Zn, ठीक है, और इस वाली वैल्यू को ये प्लस है उधर भेजूंगा तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो ई नोट जो आपका, जो जिंक, जो आपका जिंक इलेक्ट्रोड का जो विभव निकल के आया वो कितना निकल के आया भाई, -76 वोल्ट। और ये कौन सा विभव निकला है, कौन सा विभव निकला है भाई, ये अपचयन विभव निकला है, कौन सा विभव निकला है, अपचयन विभव, ठीक है, कौन सा निकला है, अपचयन विभव, ठीक है। और आपको पता है कि अगर इसका हमको ऑक्सीडेशन विभव निकालना हो, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन विभव निकालना चाहूं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना चाहूं, तो आपको पता है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों की मान बराबर होते हैं, साइन में क्या होता है फर्क, अगर इसका -76 वोल्ट है इसका, तो ऑक्सीडेशन विभव इसका कितना होगा भाई, +0.76 वोल्ट होगा, समझ गए भाई। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक अज्ञात इलेक्ट्रोड का विभव हम इसकी सहायता से, HSE की सहायता से इसका विभव हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब यहां पर है ना, इस सेल को यूज करने में भाई बहुत बड़ी दिक्कत आती है, क्या दिक्कत आती है, पहली दिक्कत तो यही है कि यहां पर ये सारी कंडीशन मेंटेन करना एक बहुत क्या है, कठिन प्रोसेस होता है, कि भाई आपको प्रेशर भी 1 ATM मेंटेन करके रखना है, और अंदर कोई भी रिएक्शन हो रही हो आपको हमेशा जो HCl जो सॉल्यूशन है, मैं कहूं जो H+ की कंसंट्रेशन है, उसको 1 molarity आपको इक्वल रखनी होती है, ठीक है। लेकिन हो भी सकता है भाई रिएक्शन के दौरान थोड़ी कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो कहने का मतलब इसको जो मेंटेन करना है वो एक बहुत ही कठिन प्रोसेस है। तो इसकी जगह वर्तमान में ना दूसरे इलेक्ट्रोड भी काम में ले लिए गए, जैसे आपका कैलोमल इलेक्ट्रोड हो गया, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड हो गया। तो वर्तमान में अगर आपसे कोई पूछ ले, वैसे आपको पूछेगा नहीं लेकिन याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कैलोमल इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, ठीक है, इसके स्थान पर। और किसका यूज करते हैं भाई, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड का यूज हम वर्तमान में SHE की जगह पर करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको SHE की सारी कहानी समझ में आ गई होगी, एक बार पहले आप इसको लिख लो फिर आगे की बात करते हैं अपन, ठीक है भाई, लिख लो, लिख लिया, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, आप आराम से लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किस तरीके से है और क्या हमको काम में आएगी, उसको कैसे याद रखना है, उसको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। तो बस पढ़ते रहिए इसी तरीके से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।